वो भी नहीं, और ये जज्बा ये जिगर राज कपूर का था जो नंबर वन म्यूजिक चार्ज के सामने ये बात कह सके। आखिर एक और राइटर ले लूँ इस पर समझौता हुआ। बख्शी को ये डर था कि नया राइटर आके उनका गाना हिट ना हो जाए, इसलिए वो डरते। सत्यम श्याम सुंदरम का भी वो गीत जो है रंग महल के दस दरवाजे, वो भी आपकी जो लोक जीवन है बुंदेलखंड का, जो समाज है यहाँ की, जो स्थानीय संस्कृति है उससे प्रेरित है, उससे होकर प्रेरित होकर ही आपने लिखा, और उस गीत को भी काफ़ी लोकप्रियता मिली। और अन्य फिल्मों में फिर आपने धर्मवीर, हत्यारा और दरिया दिल तक ये सिलसिला चला। सन्यासी के गीत भी काफ़ी कर्णप्रिय हुए और उनके बोल ऐसे थे कि बरबस लोग गा उठते थे, गुनगुना उठते थे। आपसे भी हम अपेक्षा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद आप हमें ज़रूर सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे कुछ। मैं आपसे कहूँगा कि वो अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपसे फिल्म बॉडी में कोई किरदार करने के लिए कहा गया था, सर आप कुछ बताएंगे अभिनय के बारे में क्या आपसे? फिल्म बॉबी में नहीं है। हाँ बताइए। राज कपूर की अक्सर फिल्म में उनके साथियों ने अभिनय किया, शलम जी ने, मुकेश जी ने, उनकी थोड़ी मुठभर थी, उनका प्यार भी था उसने, मुझे पसंद है। अभिनय में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और आप राजनीति में तो स्वाभाविक रूप से थे ही, और ये तो आपकी एक रुचि थी, गीत लेखन, काव्य रचनाएं पेश करना, कवि सम्मेलनों में जाना। कवि सम्मेलनों में आप काफ़ी उस समय सक्रिय भागीदारी किया करते थे, तो कवि सम्मेलनों की कोई याद बताते हों आप, तो जो आपको बार बार बरबस याद आती हो, कहाँ अनुभव अच्छा रहा भारत में काव्य पाठ करते हुए, किन नगरों में आपको बहुत आनंद आया? जयपुर, जयपुर में, इंदौर, इंदौर शहरों के कवि शहरों को भूल नहीं सकते। बहुत उत्साह था लोगों ने, बहुत प्यार दिया इन लोगों ने, और इंदौर को तो मैं इसलिए नहीं भूल सकता कि जब मैंने किशोर कुमार का अभियान चलाया एक रुपये समाधि वाला, तो मैं चौराहे पर खड़ा हो जाता था डब्बा लेके, एक रुपये दो, दूर से लोग स्कूटर पर देखते, अरे यार बच्चा भाई खड़े एक रुपये। वो आपकी जीवन की जो अनेक गांधीगिरी रही हैं उनमें से एक रही है कि खंडवा में उनके जन्मस्थली में किशोर जी की समाधि न बन सके, ये तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात थी, और आपने उस पूरे अभियान को दिशा दी, उस आंदोलन को नेतृत्व दिया आपने, और एक एक रुपया जोड़ के लोगों ने समाधि बना के दिखा दी। सरकार का तो सहयोग रहा ही उसमें, लेकिन जनता को आपने उसमें आपने जोड़ लिया, ये आपकी कामयाबी थी। जयंत मलैया उस समय मंत्री थे जी, वो आए और हमसे कहने, भाई साहब भाई ये आंदोलन बंद कीजिए, हम सरकार की तरफ से 45 लाख रुपये देते हैं, आज 1.25 करोड़ से ज़्यादा लग चुका है, किया जा चुका है, और वो भव्य समाधि तैयार हो गई है खंडवा में, उनकी यादें हमारे साथ हैं किशोर जी की, और आपके प्रयासों की ही सफलता है वो। लेकिन हाल ही में आपने एक बुंदेली फिल्म के लिए गीत लेखन जब किया आपने, अच्छा, लेकिन आपने उसके प्रोमो में कहिए कि आवाज़ दी हो, और हमारे मित्र राजेश बताते हैं कि आपने गुनगुनाया था, तो आप हमें जरूर बताइएगा उस गीत के बारे में। हाँ, एक गीत मैंने जी मैं थे बिल्कुल जग्गा नहीं है। मैं थे शायरी के अलावा और कोई शौक है क्या, तो आप बताइए हमारे दर्शकों को। आपकी कविताओं में से आप किन मूल्यों को तरजीह देते हैं? आप का प्रेम और सौंदर्य के साथ साथ जो है वर्तमान समाज की जो समस्याएं हैं उस पर भी आपका लेखन आधारित रहा है, क्योंकि आपने पदयात्राएं की हैं, सामाजिक आंदोलन किए हैं, और सही दिशा में समाज को ले जाने के लिए आपने कदम कदम पे ऐसे कई कार्य किए हैं, और वो सीधी सी बात है कि रचनाओं में भी वो बात मिलती है, जिन लोगों ने पढ़ी हैं आपकी रचनाएँ वो उस बात से वाकिफ़ हैं, और फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान बनाए एक कस्बे से उठ के एक व्यक्ति, और राजनीति करते हुए उसके साथ साथ, ये अपने आप में विशेष उपलब्धि की बात है, क्योंकि जो राजनीति से जुड़े हैं फिर उसमें राजनीति में ही इतने सक्रिय और लिप्त होते हैं कि अन्य दिशाओं के बारे में, अन्य आयामों के बारे में नहीं सोच पाते, तो ये आपकी एक कामयाबी है, और बुंदेलखंड वासियों को, विशेषकर मध्य प्रदेश वासियों को उसकी काफ़ी गर्व है।
हम आप ही से सुनना चाहेंगे कि राज कपूर जी से जुड़ी और ऐसी कोई यादें आपको ध्यान में आती हूँ। ताजमहल होटल में एक पार्टी जी, वहाँ पर राज कपूर का पूरा परिवार आया और हमारे कुछ बच्चे लोग, वहाँ पर राज कपूर की वाइफ कृष्णा कपूर ने मुझे राखी बांध के एक रुपया मुझे, और वो था बॉबी का एग्रीमेंट जिसने राखी के रूप में मैंने बताया। सर, सुना है कि आपके किसी गीत को किसी और गीतकार के नाम से भी पेश किया गया। ये तो एक गीत एक्चुअली राज कपूर की फिल्म के लिए था। वो कहते हैं हमसे उम्र नहीं है प्यार की, नादा है हम कह जाने कब खिले करी बाहर। जब ये गीत राज कपूर को बहुत अच्छा लगता था और हमेशा चार छह लोगों की फिल्म गाते थे, राज बहुत अच्छा गाते थे और टेबल पर वो तबला बजाते। एक दिन लक्ष्मी प्यार के असिस्टेंट राजेश नौकर रोशन थे, राज कपूर ने उनके सामने वो गाना गा दिया, वो धुन उनको याद रह गई, वो बोल याद रह गई। 20 साल बाद जब मैं भोपाल में आ गया तो उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड किया। एक दिन मैं रेडियो नहीं सुनता था, एक दिन मैं नहा के निकला, रेडियो लगा लिया, ये गाना आ गया। मैं कहा यार शायद ये गाना शायद मेरा जी है। मेरा तुरंत राज कपूर खोज किया, बोले हाँ बेटा भाई हमने भी सुना है किसी ने तुम्हारा गाना चोरी किया, मैं यहाँ इंक्वायरी करता हूँ। मैंने नोटिस दे दिया, देव प्रकाश हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, खो भी सर उनकी चिट्ठी लेकर वो सब भोपाल आए और हमसे माफी मांगी, बोले हम टाइटल में आपका नाम देते हैं, आप माफ़ कर दिए हमसे, मुझे 11,000 रुपये दंड लगे। देखिए पैसों के लिए मैं गीत को बेचता नहीं हूँ, आप ये किसी रचनाकार को उसका हक मिले, आप ये किसी अनाथालय को दे दें तो फिल्म दरिया दिल में आपका ये गीत फिर प्रस्तुत किया गया था 1980 में, वो काफ़ी कर्णप्रिय था और रेडियो पर लोग बार बार सुनते थे इसे, और इसकी फरमाइश भी करते थे सुनने के लिए। सर, सुना है कि सागर में भी शायद किसी फिल्म का प्रीमियर हुआ था, तो सर उसके बारे में बताएंगे कि? शायद शायद फिल्म थी, विजेंद्र जी थे आर्मी के डायरेक्टर बने जी हाँ, हॉफ थिएटर, वहाँ पर हॉफ में हमने प्रीमियर किया था और बहुत मज़ा आया। विजेंद्र घाटगे जी और नीता मेहता जी शायद इसके नायक नायिका थे, स्थानीय कलाकारों ने भी लोक नृत्यों में हिस्सा लिया जी। सर, आप शुरू से ही शायराना अंदाज के रहे हैं, कोई ऐसा शख्स जो आपको याद हो या कोई ऐसी बात जो बताना चाहेंगे? क्या बताएं, हम तो आदमी के दर्द को हम गीत में गाते, आदमी के दर्द को हम गीत में गाते, स्वाभिमानी है बहुत झुक नहीं पाते, पद प्रतिष्ठा या कि सत्ता हमको न मन करती, प्यार के दो बोल पर नीलाम हो जाते। क्या बात, यही मेरी जिंदगी का मोटो है। आपने तो वर्षों तक बधाई पत्रों में भी दीपावली पर लोगों को हजारों की संख्या में अपने रचनाओं से और गीतों से आनंदित किया है, शुभकामनाएं देते हुए आपने वो रचनाएं भेजी हैं बधाई के रूप में। तीसरी कसम से ये शुरुआत हुई या उसके पहले हुई हो, लेकिन बुंदेलखंड का अक्स अनेक फिल्मों में हमने देखा है और उसमें आपके प्रयास भी शामिल रहे हैं। अब इस संस्कृति को लाने के लिए, क्योंकि अब तो मॉल की कल्चर आ गई है, तो कैसे गाँव की ओर हम लौटें या सिने जगत का ध्यान किस तरह जाए, उस पर उस दिशा में क्या काम हो सकता है, क्या जरूरी लगता है आपको? फिल्मों का गाँव में लौटना तो बहुत मुश्किल है जी हाँ, लेकिन जरूरी बहुत है। काश ऐसा हो पाता तो बुंदेली पूरे हिंदुस्तान में आता, जानी जाती, ठीक कह रहे हैं, महक जाती, महक जाती, इसलिए कहे बहुत अच्छी लैंग्वेज है, रिच कल्चर, बहुत प्यार भरी। अरे यार कहाँ जा रहे हो, 3 बत्ती
तीन बत्ती पे हमारा जीवन शुरू होता है और तीन बत्ती पे हमारा जीवन अंत होता है।